ट्रायल बलात्कार में क्यों नहीं, और जहां पर इतनी बड़ी रूटली मर्डर हो आप दारू रोकना चाहते हैं तो डिस्चार्ज कर दीजिए डीएसपी से लेकर चौकीदार तक, और जवाबदेही दे दीजिए वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया से लेकर के एमपी तक। एक गांव में भट्टी चल रहा है, किसको पता है कि भट्टी नहीं चल रहा है? ये जिम्मेदारी नहीं देंगे सिर्फ चौकीदार दफेदार चौकीदार, मतलब इनकी जो रिव्यू हुई उस रिव्यू में इन्होंने वसूली को तीन गुना बढ़ा दिया। पाठक पहले भी थे, अलाउद्दीन के चिराग है क्या पाठक? आका है क्या? पहले क्या कर लिए? पाठक के आने से यह हुआ कि शराब माफियाओं ने दारू का दाम बढ़ा दिया और पैसे को सरप्लस कर दिया, बस यही हुआ। लड़ाई शुरू है पूरे बिहार मुख्यालय पर एमएसपी और खाद को लेकर, और अभी से मिथिला यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी के वीसी को 302 का मुकदमा आज से शुरू है। जब तक इन यूनिवर्सिटी के वीसी को जेल नहीं भेजेंगे चैंसलर नहीं बैठेंगे, मगध से शुरू हो गई हमारी लड़ाई। सबकी संपत्ति की जांच और कोर्ट से आग्रह करेंगे, यदि माफियाओं की संपत्ति की जांच हो रही है तो एमएलए एमपी मंत्रियों की भी संपत्ति की जांच हो, क्योंकि माफियाओं के ये माफिया हैं, बिना इसके कोई माफिया नहीं। हम जब शराब के मरे थे, हम जब गए थे तो जसवाल जी के गाड़ी में विजय गुप्ता बैठा हुआ था, बेतिया का सबसे बड़ा शराब माफिया। इतना विधवा विलाप करता है संजय जसवाल, एक तो बचकौल पैदा हुआ बीजेपी में जो गिरिराज का बाप बन गया निकल गया, जो मनाता है सो बकता है, कदा गांजे पी रहा है, एटो का गांजे पी रहा है। 9 महीने में 700 किसान को मारा है इसने, बेसियाले कहा इसने, आतंकवादी उग्रवादी, देश से माफी मांगना चाहिए इसको। और 5-5 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजा देना चाहिए, शहीद का दर्जा देना चाहिए। यह सवाल नहीं, शराब शराब शराब, मौत ही चारों तरफ, लाश के अलावे बलात्कार के अलावे शराब के अलावे दूसरी कोई बात नहीं। कल वैशाली में 6-3 लोग मर गए, हमारे पहले डीएमएसपी जाके सिखा दिया, बोला हार्ट अटैक कर गया। जरा पप्पू यादव जानना चाहता है कि हार्ट अटैक का कागज कहां है, हार्ट अटैक हुआ तो किस डॉक्टर ने देखा? हम शराब माफियाओं का लिस्ट जारी किए हुए हैं, आपके कटिहार का भी। नीति आयोग ने कहा है कि दुनिया में अररिया किशनगंज कटिहार ये वर्ल्ड के सबसे निचले पोदान पर है गरीबी में। अब आप पत्रकार जी को इसकी चिंता ही नहीं है? यहां तो माफिया बार, हम तो घटना के कारण यहां आए, 2-2 घटना घटी। क्योंकि अररिया में परसों एक नरभक्षी जो 20 बलात्कार कर चुका है, 4 बलात्कार के केसेस हैं और पूरा फ्री घूमता है, मतलब उस गांव में उस इलाके में कोई औरत और महिला और बेटियां 5 बजे के बाद घर नहीं खोल सकती। मैंने कहा कि या तो उसको आप 15 दिनों के अंदर स्पीडी ट्रायल करिए, नहीं तो उसको दफना देना चाहिए जिंदा। ऐसे आदमी को 5 साल की लड़की के साथ ब्लेड से चीर करके बलात्कार करना, जिंदा रहने का राइट नहीं है उस बलात्कारी को। मेजर नाम है, 100 बलात्कार कर चुके हैं जिसमें 20 नाम है, नाम नाम नाम, 100 के नाम नहीं है जिसको वो कर चुका है।